नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Infinix Note 12 5G versus Realme Nazo 50 Pro 5G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Note 12 5G में 6.48 इंच जबकि 50 Pro 5G में 6.31 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि Note 12 5G से कम है। विड्थ की बात करें तो Note 12 5G में 3.03 इंच जबकि 50 Pro 5G में 2.89 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि Note 12 5G से कम है। बात करें थिकनेस की तो दोनों फोन में सेम ही 0.31 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो Note 12 5G में 186 ग्राम्स जबकि 50 Pro 5G में 181 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो Note 12 5G में AMOLED जबकि 50 Pro 5G में Super AMOLED की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Note 12 5G में 6.7 इंचेस जबकि 50 Pro 5G में 6.4 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन दोनों फोन में सेम ही 1080x2400 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Note 12 5G में 85.62% जबकि 50 Pro 5G में 84.21% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Note 12 5G में 393 पिक्सल प्रति इंच जबकि 50 Pro 5G में 411 पिक्सल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Note 12 5G में दो कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। और 50 Pro 5G की बात करें तो इसमें तीन कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो दोनों फोन में 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो Note 12 5G में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। और 50 Pro 5G में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 3 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो Note 12 5G में Mali G57 MC2 जबकि 50 Pro 5G में Mali G68 MC4 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Note 12 5G में MediaTek Dimensity 810MT6833 और 50 Pro 5G में MediaTek Dimensity 920MT6877T मिलता है। बात करें RAM की तो Note 12 5G में 8GB की RAM मिलती है, जबकि 50 Pro 5G में दो वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 6GB 8GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो Note 12 5G में 128GB की स्टोरेज मिलती है, जबकि 50 Pro 5G में दो वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 128GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी की बात करें तो Note 12 5G में अप टू 2TB जबकि 50 Pro 5G में नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में Android V12 देखने को मिलती है। बैटरी की बात करें तो दोनों फोन में 5000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही दो कलर्स ऑप्शन देखने को मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो Note 12 5G में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है,
जो कि 8 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 17,999 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें 50 Pro 5G की तो उसमें दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 6 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 21,999 रुपीस, 8 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 23,999 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की, तो इन्फिनिक्स नोट 12 5G में 7 फायदे और 7 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें रियलमी नाजो 50 प्रो 5G की तो उसमें 7 फायदे और 8 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में 50 प्रो 5G आगे है, मेन कैमरा में नोट 12 5G आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में 50 प्रो 5G आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Realme 9 Pro 5G है, दूसरा Vivo Y75 5G है, तीसरा Moto G71 5G है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Xiaomi Redmi Note 11 Pro Plus 5G है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।